18 इंच या 20 इंच का डायमीटर जब चलाना होता है तो जरूरत पड़ती है ऐसे बड़े पंप की। तो ये रिवर्स रोटरी सिस्टम है, रिवर्स का भी है, मतलब पानी ये जाएगा भी और नीचे से पानी खींच भी सकता है। वेलकम टू कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो सीरीज हम एक कंटिन्यू कर रहे थे कि ऑल अबाउट मशीन, मशीन के बारे में सब कुछ, काफी दिनों से उसमें कोई वीडियो नहीं आया था, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मैकेनिकल रोटरी मशीन का। काफी पावरफुल है, देखने से भी आपको काफी पावरफुल लग रही होगी। ये पावरफुल मशीन को आज एक्सप्लेन करेंगे और धीरे धीरे जानेंगे कि क्या इस मशीन का काम है। और सीधी सी बात है कि ये बोरिंग मशीन है तो बोरिंग तो करेगी ही करेगी, लेकिन हर एक मशीन का अपना एक कैपेसिटी होता है, एक खासियत होती है, एक लिमिटेशन होती है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इंजन की तरफ बढ़े हैं, तो इंजन के बारे में ही मैं पहले बात कर लूं सबसे पहले कि इंजन जो इसमें लगाया गया है, टाटा का 4 सिलेंडर रिन्यूड इंजन लगाया गया है। पावरफुल है, इनफ पावरफुल है 500 से 600 फीट तक की कैपेसिटी तक जाने के लिए मशीन को ये पावर प्रोवाइड कर सकता है। बाकी टाटा इंजन के बारे में बहुत हम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार दूसरी मशीनों में टाटा इंजन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेल्फ स्टार्ट इंजन होता है ये तो आपको पता ही है, फोर्स जितने भी बड़े इंजन होंगे वो सेल्फ स्टार्ट में रहेंगे। रिन्यूड इंजन है लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन के रिन्यूड इंजन है। रिवर्स रोटरी मशीन है ये, वाटर पंप जो आप देख रहे हो ये डबल वाटर पंप है, तो हाई पावर 6x6 का, 6x6 का मतलब है 6 इंच इनपुट 6 इंच आउटपुट का ये वाटर पंप है और डबल सिस्टम के साथ है, तो इनफ पावर कैपेबल है देने के लिए। पानी का जो वाटर का प्रेशर चाहिए होता है ड्रिलिंग के लिए, जब आप बड़े डायामीटर की ड्रिलिंग होती है तो पानी का प्रेशर काफी ज्यादा चाहिए होता है। 18 इंच या 20 इंच का डायामीटर जब चलाना होता है तो जरूरत पड़ती है ऐसे बड़े पंप की। तो ये रिवर्स रोटरी सिस्टम है, रिवर्स का भी है, मतलब पानी ये जाएगा भी और नीचे से पानी खींच भी सकता है, तो रिवर्स का यही मतलब होता है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के मैं किसी और वीडियो में रिवर्स को करूंगा, उसका मैकेनिज्म पूरा समझाऊंगा, अभी आपको उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल रोटरी मशीन है, मैकेनिकल रोटरी को मैं कई बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हाइड्रोलिक और मैकेनिकल रोटरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसमें सारा मैकेनिकल तरीके से ही ऑपरेट होगा। ये जो रॉड कनेक्टिंग रॉड है वहां से पुली चलेगी और यहाँ पर आपका ये क्राउन, यहाँ पर एक क्राउन लगा हुआ है जो ऐसे, फिर ड्रिल रॉड यहाँ पर आपको कैली, ये जो आपको होल, ये जो जगह बीच में होती है, यहाँ पर जो स्पेस है इसमें कैली जाएगा। कैली क्या होता है कि एक स्क्वायर पाइप है जो इसमें फंस के चलेगा, ये घूमेगा तो वो स्क्वायर पाइप आपका साथ में घूमेगा और उसी में ड्रिल रॉड कनेक्ट किया जाता है तो रोटेशन मेंटेन होते हैं, तो इसीलिए इसको मैकेनिकल रोटरी मशीन कहा जाता है क्योंकि सारा काम इसमें मैकेनिकल तरीके से है। एक हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, वो ऑयल प्रेशर से वो जो मशीनें चलती हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया। और सारा आप ऊपर देख रहे हैं कंट्रोल बॉक्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कंट्रोल का सिस्टम, हालांकि मैं अपोजिट साइड में हूँ तो अभी मैं उस तरफ चलूंगा तो कंट्रोल भी आपको दिखा दूंगा, पहले थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। इंजन एक शाफ्ट उस तरफ लगा है जो पूरा मशीन को ऑपरेट करेगा और इसमें ड्यूअल स्पीड का ऑप्शन है कि आप ये दो पुली लगी हैं, जब आपको तेज स्पीड में चलाना हो तो आप इस छोटी वाली पुली पे उधर, इसके जिस तो इधर छोटी है तो इसके कंपैरेटिवली उस तरफ अपोजिट साइड में जो है बड़ी पुली लगी होगी, तो क्या होगा ये इस पर डालेंगे तो ज्यादा तेज राउंड चलेंगे। ठीक है, अभी ये स्लो में लगी है, जब आपको तेज चलाना हो तो ये वाली बेल्ट जो है इसमें आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी तो राउंड, रोटरी के जो राउंड है वो बढ़ जाएंगे, वो जरूरत के अनुसार जो है जो मैकेनिक होगा, ऑपरेटर होगा, वो काम करेगा। रिवर्स रोटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है, किसी पूरा मैकेनिज्म मैं किसी और, कभी ऐसा होगा कि चलाते हुए मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि एक ऑपरेटर बुला के, हम चलवाते भी हैं कभी कभी, ट्रायल लेते हैं हम जब मशीन नई बनाते हैं तो ट्रायल करते हैं, तो ट्रायल के समय मैं बताऊंगा कि रिवर्स कैसे काम करता है, तब आपको समझ आएगा। यहां तो आपको पाइप का एक मेस जैसा दिख रहा होगा, ज्यादा कुछ नहीं समझ आएगा कि क्या कैसे कहां से हो रहा है, तो ज्यादा नहीं इसमें बात हम करेंगे, कभी एक्सप्लेन करेंगे। ये टूल बॉक्स लगाए गए हैं, अब जरूरी सामान आपको जिसमें ऑपरेटर अपना रख सकते हैं मशीन से संबंधित या कुछ और। हैवी मशीन है, करीब टावर इसका बहुत अच्छा है, हैवी है, 2.5 इंच जो पाइप है, सी क्लास पाइप का टावर बना हुआ है, टावर की हाइट रहेगी लगभग 25 से 26 फीट के बीच में,
तो ये मल्टीपर्पज मशीन है, ड्रिलिंग करेगा और केसिंग भी। बड़ी मशीन का काम ही होता है कि वो बड़े ट्यूबवेल की बोरिंग करने में इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर आपको एमएस का केसिंग भी करना पड़ता है, कई जगह लोअरिंग भी कहते हैं उसको। तो केसिंग वैसे स्टैंडर्ड है केसिंग का, तो ये टावर आपका बहुत हेल्प करता है केसिंग को करने में, और एमएस का या आपको सीमेंट के पाइप उतारने होते हैं तो उसमें काफी हेल्प करता है। अब हम आ गए हैं मैकेनिकल मशीन के कंट्रोल लीवर्स की तरफ। तो कंट्रोल लीवर में कुछ ज्यादा नहीं है अभी, क्या है ये मशीन यूज नहीं हो रहा है तो ऑयलिंग इसमें नहीं हुई है। जब ये जाने को हालांकि तैयार है तो इसमें भी ऑयलिंग करना है। ये लीवर है, ये गियर को दो इसमें विंच लगे होते हैं, विंच इधर दिखा सकते हो, ये जिसमें वायर जो चलते हैं ये विंच है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, अभी उसमें दूसरे में वायर नहीं पड़ा है। तो ये विंच को कंट्रोल करने के लिए ये वाला लीवर है कि कौन सा विंच आपको कब ऑपरेट करना है, तो इससे इस लीवर से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। इजी है, जब आप चलाओगे एक बार उसको देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये है, ये यहाँ पर एक अभी बेल्ट पड़ेगी जिसको पट्टा भी बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं, बेल्ट तो अलग चीज हो गई, बेल्ट तो ये होती है वी बेल्ट, पट्टा पड़ेगा तो पट्टे का मूवमेंट डिसाइड करने के लिए ये एक पूरी फ्री होती है कि जब आपको कोई इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लेना है, कोई पावर नहीं लेना है, तो आप क्या कीजिए, पट्टे को साइड वाली में फ्री वाली पुली में कर दीजिए, तो आपको इंजन बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिंपल से कुछ लॉक वगैरह हैं, इनमें भी ये भी है कि ये लॉक है, कहीं रोकना है तो कुछ कर सकते हैं। ये ब्रेक वह है, ब्रेक की जरूरत कई बार पड़ती है टावर को गिराने में उठाने में जो भी है, तो बहुत अच्छे से आप इसको सीख सकते हो। ये दो लीवर हैं इसको रोटरी को, जो आपका मैकेनिकल रोटरी है इसको फ्री करने के लिए और इसको पावर पे लाने के लिए, ऑपरेटर ऑपरेशन मोड पे ले आ सकते हैं। ऐसे क्या हो गया, बेल्ट लूज हो गई तो ये फ्री हो गया। ये सिंपल सी बात है, ये वाटर पंप को आपको, पूरा वाटर पंप आपका क्या है, फ्री हो गया। और ऐसे जब करेंगे, अभी जब ऑयलिंग इसमें हो जाएगा तो बहुत अच्छे से चलने लगेगा। अब ये ऑपरेशन मोड में आ जाएगा, वर्किंग मोड में आ जाएगा। दो टायर हैं, बड़े से टायर में है तो कहीं भी ये जा सकती है, छोटी बड़ी जगहों पे जाने के लिए ये तैयार रहती है। ट्रैक्टर का आपको यूज करना पड़ेगा इसको खींचने के लिए, यहाँ पर आप ट्रैक्टर से इसको टो कर सकते हैं, खींच सकते हैं, हिच में कनेक्ट करके आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। तो शायद मैंने ऑलमोस्ट चीजें तो एक्सप्लेन कर दी है, बाकी अगर कुछ भी रह रहा है तो आप जो है, आपके अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कई बार ऐसा हो जाता है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कुल मिलाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं तो हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल्स को, हमारे पेजेस को लाइक या सब्सक्राइब, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी जहां करना है वो करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।